Good evening, guys. Today, I think you are at home and safe enough. Today, we are here for one topic, that is stability. So, we'll start. What is stability is all about? ठीक है, सबसे पहले जो अपन लोग को समझना है वो है एवरी सिस्टम फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ टू पास थ्रू ए ट्रांजिएंट पीरियड. मींस कोई भी सिस्टम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक ट्रांजिएंट पीरियड को अचीव करता है. ट्रांजिएंट मतलब होता है उस सिस्टम में ऑसिलेशन आ रहे हों. कोई भी सिस्टम एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक ट्रांजिएंट पीरियड को अचीव करता है. फिर दूसरा जो पॉइंट है, नाउ वेदर ए सिस्टम विल रीच टू इट्स इंटेंडेड स्टेट आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रांजिएंट और नॉट. मतलब अगर कोई सिस्टम ट्रांजिएंट के बाद अगर स्टेडी स्टेट को अचीव करता है तो वो हम डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस से. The answer to this question means to define whether a system is stable or not. This is known as stability analysis. मतलब अगर कोई सिस्टम ट्रांजिएंट, कोई सिस्टम में ट्रांजिएंट आ रहे हैं, ट्रांजिएंट आने के बावजूद वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर पाता है तो हम उसको स्टेबिलिटी एनालिसिस टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं. तो ये ही हमने की पॉइंट में लिखा है, द एनालिसिस ऑफ वेदर द गिवन सिस्टम कैन रीच स्टेडी स्टेट पासिंग थ्रू द ट्रांजिएंट सक्सेसफुली इज कॉल्ड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम. तो मतलब कोई भी सिस्टम अगर ट्रांजिएंट आने के बावजूद वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचता है वो हम डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम से. नेक्स्ट स्लाइड वी हैव स्टेबल. स्टेबल की बात की जाए, एक सिस्टम स्टेबल कब होगा, व्हाट आर देयर कंडीशंस दैट इज सिस्टम बीइंग स्टेबल. सबसे पहले ए सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ स्मॉल चेंजेस इन द इनपुट और पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इनटू लार्ज वेरिएशन इन द आउटपुट. मींस अगर किसी सिस्टम में मैं थोड़ा बहुत भी इनपुट में चेंजेस प्रोड्यूस करता हूँ तो आउटपुट में भी लिटिल बिट चेंजेस प्रोड्यूस हो. मतलब अगर मैं इनपुट में चेंज करता हूँ 2 वोल्ट का तो आउटपुट में भी लिटिल बिट 1 वोल्ट का चेंज आ जाए. मींस द बाउंडेड इनपुट पे अगर मैं बाउंडेड इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिले, बाउंडेड मिले. इसको हम डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी क्राइटीरिया से. इसके बाद जो है, ए सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ इट प्रोड्यूसेस बाउंडेड आउटपुट फॉर ए बाउंडेड इनपुट. दिस इज नोन एज बीबो स्टेबिलिटी. मतलब कोई भी सिस्टम अगर मैं बाउंडेड इनपुट दे रहा हूँ, अगर इनपुट को मैं विद इन बाउंड्री में रख रहा हूँ और आउटपुट भी मुझे बाउंड्री में मिल रहा है, तब हम उसको उस सिस्टम को हम बीबो स्टेबिलिटी कहते हैं. बीबो मतलब होता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. इनपुट को मैंने बाउंड किया, आउटपुट भी मुझे बाउंडेड मिला. इसके बाद जो है, फॉर LTI सिस्टम, ए सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होगा अगर उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट है और इंटीग्रेबल प्रोड्यूस कर रहा है. दूसरा जो क्राइटेरिया लग रहा है कोई भी सिस्टम को स्टेबल कब होगा, ऑल द पोल्स, जितने भी पोल्स हैं, ऑल द पोल्स ऑफ द सिस्टम मस्ट लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन. जितने भी पोल्स हमारे आते हैं वो सारे लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में होने चाहिए. जितने भी पोल्स हमारे आते हैं उस एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में होने चाहिए. बट नॉट नेसेसरी द जीरोज ऑफ द सिस्टम. बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जीरोज हमारे लेफ्ट हाफ में आए. तो जितने भी हमारे पोल्स आए किसी भी सिस्टम में, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने भी हमारे पोल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करने चाहिए. लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन
अगर वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करते हैं तब हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। अगर वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करे तब हम उस सिस्टम को अनस्टेबल कहते हैं। तो द मेन कंडीशन फॉर ए सिस्टम टू अचीव स्टेबिलिटी इफ इट इफ इफ ऑल द पोल्स ऑफ द सिस्टम लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन बट नॉट नेसेसरी द जीरो ऑफ द सिस्टम। मतलब ये कोई जीरो ऑफ द सिस्टम अगर राइट हाफ में भी आ जाए उससे हमारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना हमारा पोल्स है। तो मतलब जो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि सारे के सारे पोल्स हमारे लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करने चाहिए, इसलिए हमारा सिस्टम तभी स्टेबल होगा। तो इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो आपके सारे डाउट क्लियर कर लेगा। जी एस एच एस इक्वल टू एस प्लस टू एस प्लस वन एस माइनस वन। वेयर जी एस एच एस, यहाँ पर जी एस एच एस क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। एच एस यहाँ पर यूनिटी है, एच एस की वैल्यू क्या है? यूनिटी। जी एस ट्रांसफर फंक्शन हो, एच एस क्या हो गया? फीडबैक हो गया। और एस प्लस टू न्यूमरेटर में है, एस प्लस वन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय एस माइनस वन। तो सबसे पहले हमने इसमें जीरोज निकाले। जीरोज हम कैसे निकालते हैं? जितने भी, एक होता हमारा न्यूमरेटर, दूसरा होता हमारा डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर को हम जीरो के, एस प्लस टू को अगर मैं जीरो रख दूँ तो इससे जो पोल्स जीरो, एस की वैल्यू जो आती है उसको हम जीरोज कहते हैं। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या आई? माइनस टू। तो हमारा जीरोज कितने होंगे? एक। अब हम डिस्कस करते हैं पोल्स। पोल्स हमारे कितने होंगे? फर्स्ट पोल इज माइनस वन, सेकेंड पोल इज प्लस वन। देयर आर टू पोल्स, माइनस वन प्लस वन एंड वन जीरोज, दैट इज माइनस टू। नाउ इफ आई ड्रॉ इन ए एस प्लेन, देयर इज माइनस टू इज हियर, माइनस वन इज हियर एंड प्लस वन इज हियर। सो आई हैव ऑलरेडी सेट दैट इस सिस्टम इज स्टेबल इफ ऑल द पोल्स शुड लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। लेकिन इसमें देखिए आप, एक पोल तो मेरा माइनस वन पे लाई कर रहा है, दूसरा मेरा प्लस वन पे, तो ये तो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आ गया। ठीक है, तो ये सिस्टम मेरा क्या हो गया? अनस्टेबल। मैं जीरो के, जीरो से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए पोल्स। तो ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम अनस्टेबल। ये हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात की जाए तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस वन प्लस जी एस एच एस। तो यहाँ पर क्या हो गया? एस प्लस टू एस प्लस वन एस माइनस वन। तो वन प्लस एस प्लस टू एस प्लस वन एस माइनस वन से मैंने, अगर मैं इससे कंपैरिजन करूँ, यहाँ मेरा था जी एस एच एस इक्वल टू एस प्लस टू एस प्लस वन एस माइनस वन। ये मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी एस बाई आर एस इक्वल टू जी एस वन प्लस जी एस एच एस। तो उसमें जी एस क्या था? एस प्लस टू एस प्लस वन एस माइनस वन। ठीक है, वन प्लस जी एस एच एस, तो वन प्लस एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन एस माइनस वन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आई हमारी एस प्लस टू एस प्लस वन एस माइनस वन एस प्लस टू। फिर इसको अगर सिंप्लीफिकेशन रखूं तो जो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है एस प्लस टू एस स्क्वायर एस प्लस वन। अगर मैं इसके रूट्स निकालूं, रूट्स कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जिक्यूएट है तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इससे जो मैंने रूट्स निकाले वो निकले मेरे माइनस हाफ प्लस माइनस